क्या सुंदर है मेरा ये रूप, और इस रूप में मेरी ये वेशभूषा, मेरा श्रृंगार, मेरे आभूषण तो और भी सुंदर है। माता ने कहा था ये रूप धारण कर मैं उनसे भेंट करने उनके निकट जा सकता हूँ। मुझे माँ के पास जाना चाहिए। अरे ओहो, अभी इन वस्त्रों के अभ्यस्त नहीं हूँ ना मैं, इसलिए इनमें मेरे पांव फंस रहे हैं। अब बिना गिरे कैसे चलूँ मैं? ये उचित उपाय है। ओहो, फिर लड़खड़ा गई मैं। इसे थोड़ा और ऊपर पकड़कर चलती हूँ। यही है ना वो अदृश्य बाधा। अब तो उसे पार कर आगे बढ़ने में मुझे तनिक भी कठिनाई नहीं। माँ का स्थान तो अति सुंदर है, किंतु मेरा ध्यान तो इस वस्त्र को संभालने में ही लगा है, और इसी कारण बार बार लड़खड़ा रही हूँ मैं। किंतु इस वस्त्र को संभालना ही होगा मुझे। ओहो, मुझे बहुत संभल संभल कर आगे बढ़ना होगा। ये क्या? इसके रक्त से इसके अनेकों प्रतिरूप उत्पन्न हो गए। देखा वरुण देव, तुम मेरा जितना रक्त बहाओगे उतने ही प्रतिरूप अपने समक्ष पाओगे। जाओ मेरे सैनिकों, इस देवता को धूल दूषित करो। ये क्या? मेरा खड़क कहाँ जा रहा है? ये तो धूम्रलोचन के सैनिक में परिवर्तित हो गए। कोई बात नहीं, इनके लिए मेरी शक्ति ही काफी है। दुष्ट असुर, तुम कुछ भी कर लो, किंतु तुम्हारी ये कपट योजना अब मैं सफल नहीं होने दूंगा। अब मैं अपनी अन्य दिव्य शक्तियों से तुम्हें भस्म करूंगा। कब तक रोक पाओगे हमें देवताओं? स्वर्ग लोक तो हम लेकर ही रहेंगे, बस कुछ ही क्षणों की बात है। Thank you.
पुत्री विनायकी। गिरना मत। प्रणाम माँ, मेरे नेत्र कितने समय से आपके दर्शन के लिए ललायत थे। माँ, मैं भी तुम्हें देखने के लिए ललायत थी, किंतु इस रूप में भी तुम अत्यंत आकर्षक और सुंदर लग रही हो पुत्री। इस रूप में भी पुत्र गणेश का कितना अपूर्व और मोहक सौंदर्य है। किंतु इसने साड़ी को ऐसे क्यों पकड़ा हुआ है? ओह, इसकी साड़ी उचित प्रकार से बंधी जो नहीं है। बुद्धि का देवता मेरा पुत्र विघ्नहर्ता है, प्रथम पूज्य है, किंतु साड़ी धारण करना वो तो अभ्यास से ही आता है। आप मुझे देखकर हंसी क्यों माँ? क्या मेरा ये रूप सुंदर नहीं है? क्या मैं विचित्र दिख रही हूँ? नहीं नहीं पुत्री, तुम्हारी सुंदरता तो अद्भुत है, किंतु ये अंग वस्त्र ये उचित प्रकार से नहीं बंधी। देखो, ऐसे धारण करते हैं इसे। पुत्री, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं तो अपनी पुत्री को प्रथम बार अंगवस्त्र धारण करना सिखा रही हूँ। ये पल एक माँ और पुत्री के जीवन का सबसे अमूल्य पल होता है। विनायकी महादेवी गज जन्म परीक्षिता। विनायकी महादेवी, अब तुम्हें चलने में कोई कठिनाई नहीं होगी। पुत्री, तुम्हारा ये नारी अवतार अनुपम ही नहीं, अद्वितीय भी है। तुम्हारे इस नारी रूप को जगत विनायकी के नाम से जानेगा। अब मैं समझी माँ कि आपको, मामी जी को, बुआ जी को तैयार होने में इतना समय क्यों लगता है। ये पायल, ये झुमकियाँ, ये वस्त्र, आभूषण और श्रृंगार समय अवश्य लेते हैं, किंतु कितने सुंदर भी तो लगते हैं ना। कितने भी सुंदर क्यों ना हो, किंतु मेरी पुत्री विनायकी से सुंदर नहीं हो सकते। अब तो मेरे मुख में भोजन का एक भी ग्रास तभी प्रवेश करेगा जब स्वयं माँ अपने हाथों से मुझे खिलाएंगी। मेरी पुत्री अभी भी भूखी है। स्वर्ग लोक में आकर हम देवताओं को चुनौती देने की धृष्टता कर रहे हो तुम। कदाचित हम देवताओं की दिव्य शक्तियों से परिचित नहीं हो तुम। मात्र धृष्टता नहीं अग्निदेव, तुम्हारे स्वर्ग लोक में तुम्हें ही पराजित करेंगे हम। वायुदेव, हमारी विद्युत शक्ति का सामना नहीं कर सकोगे तुम।
अब मैं निशस्त्र हो गया हूं, किंतु इनका सामना तो तब भी करूंगा मैं। दुस्साहसी निशुम्भ, आज तुम्हें तुम्हारी दंडता का दंड दूंगा मैं। मेरे प्रचंड बल और मेरे तेज का सामना नहीं कर पाओगे तुम। इंद्रदेव, तुमने मेरे भ्राता नमुची को मल्ल युद्ध में पराजित किया था ना? यदि साहस है तो आओ और मुझे पराजित करके दिखाओ। आओ, पार्वती के मन में ये कैसा हट कर लिया था तुमने पुत्री? ऐसे भी कोई करता है क्या? तुम्हें ज्ञात भी है, कितनी चिंतित हो गई थी मैं। तुम भोजन नहीं करोगे तो? पार्वती के मन में उमड़ी ममता, माँ की गोद में आए विघ्न हरता। क्या हुआ पुत्री, तुम हंस क्यों रही हो? माँ, अब तो मैं पूर्ण रूप से तृप्त हो गया। मेरा अर्थ है तृप्त हो गई, और आपकी स्नेहपूर्ण उलाहना भी मुझे प्राप्त हो गई। मेरी इच्छा तो यही है कि ये हमारे स्वर्णिम और आनंददायक पन इसी प्रकार निरंतर चलते रहे। किंतु मुझे माँ को शीघ्र वो सब कुछ असुरों के बढ़ते साम्राज्य और उनके अत्याचारों के बारे में बताना ही होगा। शुंभ निशुंभ अवश्य संसार में अपना वर्चस्व बढ़ाने की अपनी कुटिल योजना बना रहे होंगे। आओ मित्र देवराज, आओ लड़ो मुझसे, वार करो मुझ पर, आओ। साहस है तो आप मेरे दिव्य ताप का सामना करो निशुम्भ। मेरा क्रोध जागृत करके तुमने बहुत बड़ा संकट उत्पन्न कर लिया है निशुम्भ। अब मेरा तेज ही मेरा शस्त्र बनकर तुम्हें पराजित करेगा। हाँ।
सूर्य देव के निरंतर प्रहारों का सामना करना कठिन हो रहा है मेरे लिए। इसके बढ़ते तेज से मेरे नेत्र चौंधिया रहे हैं। मेरे प्राता निशुम्भ को आहत करने का दुस्साहस किया सूर्यदेव ने, उसका दंड अवश्य प्राप्त होगा सूर्यदेव को। अब असुर महानायक शुंभ के क्रोध का ऐसा ज्वालामुखी फटेगा जिससे देवता अपना बचाव कदापि नहीं कर सकेंगे। मुझे ज्ञात है शुंभ, तुम्हारे वरदान के कारण मैं तुम्हारा वध नहीं कर सकता, किंतु जैसे तुम्हारे अग्रज नमुची का वध किया था मैंने, वैसे ही तुम्हारा भी अंत करने का प्रयास तो कर ही सकता हूँ मैं, और यदि मैं उसमें असफल भी रहा तो आहत तो तुम्हें मैं अवश्य करूँगा। निशुंभ मुक्त हो जाओ। स्वर्ग होगा हमारा और वहां के बंदी होंगे ये देवता। जो घट चुका है और जो घटित हो रहा है मुझे भली भांति ज्ञात है पुत्री। क्या आपको सब कुछ ज्ञात है माँ? हाँ पुत्री, शुंभ निशुंभ कैसा आतंक फैला रहे हैं वो मुझसे छिपा नहीं है। माँ, मैं और भैया यही समाचार आप तक पहुँचाने के लिए आपको ढूंढ रहे थे, क्योंकि हमारे अनुसार वो दोनों दुष्ट शुंभ और निशुंभ अवश्य स्वर्ग पर अपना अधिकार स्थापित करने के लिए किसी कुटिल योजना का निर्माण करेंगे, और जिसे आप ही रोक सकती है माँ। इसलिए माँ, अब तो आप मेरे साथ लौट चलिए ना। नहीं पुत्री विनायकी, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। किंतु क्यों माँ? किंतु परिस्थिति बहुत विकट है, उन दोनों दुष्टों के कारण कभी भी कुछ भी हो सकता है। उसके लिए मुझे कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है पुत्री। शुंभ निशुंभ का दुष्कर्म स्वयं उन्हें मुझ तक खींच लाएगा। पुत्री, ये भी स्मरण रखो, तुमने अपना विनायकी रूप मुझसे भेंट करने के लिए धारण नहीं किया है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। बड़ा कारण? कैसा बड़ा कारण माँ? अब समय आ गया है कि त्रिदेवों और देवताओं के भीतर निहित नारी शक्ति प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हो, और शुंभ के भीतर छिपी नारी शक्ति भी बाहर आने पर विवश हो जाए, जिससे शुंभ और निशुंभ का वध हो सके और संसार इन दुष्टों के आतंक दुराचार और अत्याचार से मुक्त हो जाए। शुंभ निशुंभ का वध करने के लिए हमें अपनी नारी शक्ति को उजागर करना होगा, किंतु माँ, जब मैं असुरों को पराजित कर सकती हूँ, नर रूप में आपकी सहायता कर सकती हूँ, तो मुझे स्त्री रूप धारण करने की क्या आवश्यकता है ना? मेरा तो नर रूप ही पर्याप्त है ना माँ? विनायकी, नारी की शक्ति को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। माँ के रूप में नारी एक कोमल हृदय जन दायिनी पालनहार होती है, तो दुष्टता की अति होने पर नारी अपने उग्र और कठोर रूप में दुष्टों का संहार करने में भी सक्षम होती है। किंतु माता,
मैं अन्य देवताओं को कैसे विश्वास दिलाऊंगी कि उन्हें भी अपना नारी रूप धारण करना होगा? ये उत्तरदायित्व तो अब तुम्हारा है विनायक। अपने समान अन्य देवताओं में भी नारी शक्ति को जागृत करो और शुम निशुम को मुझ तक आने को विवश करो, जिससे मैं उन्हें नारीत्व का उचित अर्थ बता सकूं और नारी के प्रति उसके किए अत्याचारों के लिए दंड दे सकूं। मुझे ज्ञात है कि माँ मुझे क्या करने के लिए निर्देशित कर रही है, किंतु मैं उस कार्य को पूर्ण करूँगी कैसे? अपने समान अन्य देवताओं में भी नारी शक्ति को जागृत करो। ये उत्तरदायित्व तो अब तुम्हारा है विनायकी। मुझे ज्ञात है कि माँ मुझे क्या करने के लिए निर्देशित कर रही है, किंतु मैं उस कार्य को पूर्ण करूँगी कैसे? तुम्हें यहाँ से लौटना चाहिए पुत्र। अभी जाना होगा मुझे, अभी तो मेरा मन ही नहीं भरा। किंतु माँ का आदेश है तो उसका पालन तो करना ही होगा। प्रणाम माता। इंद्रदेव, तुमने मेरे भ्राता नमुची का वध किया और अब सूर्यदेव ने मेरे अनुज के प्राण लेने का प्रयत्न किया। ये उचित नहीं है इंद्रदेव। अब देखो, मैं असुर महानायक शुंभ तुम्हारे अपराधों के दंड स्वरूप तुम सबकी कैसी दुर्दशा करता हूँ। सब मुक्त हो जाओ। इसने हमें अपने स्तंभन से मुक्त क्यों किया? मैंने तुम्हें मुक्त अवश्य किया है इंद्रदेव, परंतु इससे प्रसन्न होने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि मैं तुम सबको स्तंभित करके छोड़ देता तो तुम स्थिर रह जाते, किंतु मैं तुम्हें निरंतर प्रताड़ित कर तुम सबसे अपना प्रतिशोध लूंगा। तुम सबको मैंने मुक्त किया है पुनः बंदी बनाने के लिए। अब तो स्वर्ग पर मेरा इस असुर महानायक शुंभ का अधिकार हुआ। पिछली बार तो प्रथम पूज गणेश ने तुम सबकी रक्षा कर दी थी, अब कहाँ है वो? अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? इंद्रदेव? माँ, आपने मुझे अपने निकट आने की अनुमति दी, उसके लिए मैं आपकी कृतज्ञ हूँ। किंतु भैया की आपके दर्शन करने की इच्छा अपूर्ण रह गई माँ। अब ज्ञात नहीं उन्हें वो अवसर कब प्राप्त होगा, किंतु आप कब कैलाश लौटेंगी माँ? गणेश, भैया आ गए। कहाँ हो तुम अनुज? भैया तो कदाचित इस रूप में मुझे पहचान ही नहीं सकेंगे, असमंजस में पड़ जाएंगे वो। मुझे पुनः अपने गणेश रूप में आ जाना चाहिए। अरे नहीं, यही तो उचित अवसर है। अब यदि विनायकी का रूप धारण किया ही है तो भैया से थोड़ा आमोद प्रमोद भी हो जाए, आनंद आ जाएगा। गणेश, गणेश कहाँ हो तुम? कहाँ हो अनुज? गणेश, गणेश कहाँ हो तुम? स्वामी, कहाँ हो आप? अनुज कहाँ हो? गणेश कहाँ हो अनुज? देवी। हाँ जी। क्या आपने
कितना मधुर स्वर है आपका। कौन हो सकती है स्त्री? सुनकर मेरा मन तो अति आनंदित हो गया। पुनः कुछ कहिए ना। अकस्मात इस प्रकार आपके समक्ष आने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, किंतु यहाँ आने का मेरा केवल एक ही प्रयोजन था, अपने भ्राता को ढूंढना। अब वो यहाँ नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए मूषक जी, हम आगे ढूंढते हैं। अरे नहीं 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 ना, भला ऐसे क्यों जा रहे हैं आप? अकस्मात आने का अपराध किया है आपने, तो अचानक जाने के दोष से तो मुक्त होइए। ऐसे मत जाइए, कुछ बोलिए ना, कुछ ना कुछ बोलते रहिए ना। ये क्या कह रही हैं आप? देखिए, मेरे पास इन सब के लिए समय नहीं है। आप जो भी हैं देवी, मैं आपका अपमान नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए। अरे अरे, ये क्या हो रहा है आपको? आपका संतुलन क्यों बिगड़ता जा रहा है? स्वयं को संभालिए देवी। कैसे संभालूं अपने आप को? आपके स्वर की मधुरता ने तो पूर्व में ही मेरा मन मोह लिया था, और आपका मुख, आपका रूप देखा तो उसका तो ऐसा सम्मोहन है कि कोई भी अपना संतुलन खो बैठे। रुकिए कुमार, मेरे हृदय का स्पंदन थोड़ा मंद पड़ जाए, तब तक तो रुक जाइए। कहीं मुझे कुछ हो गया तो फिर क्या करेंगे आप? ओहो, कहाँ फंस गया मैं? अब इस स्त्री से पीछा कैसे छुड़ाऊं मैं? कुछ भी नहीं होगा आपको, वैसे भी आप तो हृष्ट पुष्ट दिखाई दे रही हैं। अच्छा, हृष्ट पुष्ट तो दृष्टि पड़ ही गई, तो क्या मैं आपको भा गई हूँ? अच्छा ये तो बताइए, आपका विवाह हो गया क्या? नहीं देवी, ये तो अपना कर्तव्य निभाने में ही व्यस्त रहते हैं। विवाह का समय ही कहाँ है इनके पास? प्रभु अभी तक दिखे ही नहीं। ये तो अत्यंत शुभ समाचार है। आपको ज्ञात है, मेरी जन्म कुंडली के अनुसार विंध्याचल पर्वत पर मेरे द्वारा पुष्प तोड़ते समय अत्यंत सुंदर और तेजस्वी कुमार का आगमन लिखा है, और ये भी कि वो कुमार महादेव और देवी पार्वती के पुत्र होंगे, और उन्हीं कुमार से मेरा विवाह भी होगा। अरे ये तो पीछे ही पड़ गई है देवी, ये क्या कह रही हैं आप? अपनी मर्यादा की सीमा में रहिए। आपसे दो संवाद हुए नहीं और आप तो विवाह तक पहुंच गई। किंतु हृदय तो कभी असत्य नहीं कहता कुमार, आप ही है ना महादेव और माता पार्वती के वो पुत्र, बोलिए ना। हाँ, ये तो वही है, माता पार्वती और महादेव के पुत्र कुमार कार्तिकेय। अरे मूषक जी, आप तो और संकट में डाल देंगे। देखा, मुझे जो आभास हुआ था वो सत्य भी था। स्वामी, मेरे स्वामी, आप अंततः मिल ही गए मुझे। कितनी प्रतीक्षा करवाई मुझे, किंतु कोई बात नहीं, अब तो मैं आपको अपनी दृष्टि से कहीं दूर जाने नहीं दूंगी। गणेश कहाँ रह गया? मेरा अनुज क्या कम संकट उत्पन्न करता है जो अब इस स्त्री से भी भिड़ंत हो गई है मेरी? अरे ये कैसा अनर्गल प्रलाप कर रही हैं आप? मैं किसी का स्वामी नहीं हूँ और ना ही किसी का स्वामी बनने की कोई इच्छा रखता हूँ। नहीं नहीं स्वामी, ऐसा मत कहिए, नियति को कैसे नकार सकते हैं आप? आपको तो मुझसे विवाह करना ही होगा। देखिए तो सही, मैंने तो अपने मन में आपको अपना स्वामी ही मान लिया है। इतने वर्षों से आपको पाने के लिए ही तो यहाँ इस पर्वत पर पुष्प तोड़ने आती रही हूँ मैं। अब तो मेरा मनोरथ भी सिद्ध हो गया, अब मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ स्वामी। यहाँ रुककर एक क्षण भी व्यर्थ नहीं करूँगा मैं। चलिए मूषक जी। जी कार्तिकेय जी। भैया, आपको ऐसे नहीं जाने दूंगी मैं। अंततः प्राण छूटे
उस स्त्री से किसी प्रकार पीछा छुड़ा के। रक्षा करो, कोई मेरी रक्षा करो, कोई मेरी रक्षा करो। ये तो उसी स्त्री का स्वर है। क्या संकट आया होगा उस पर? मूषक जी, हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। चलिए। इसे देखकर तो ये प्रतीत नहीं होता कि ये किसी संकट में है, फिर ये बचाओ बचाओ की चीत्कार क्यों कर रही है? रक्षा करो, मेरी कोई रक्षा करो। क्या हुआ? सहायता की गुहार क्यों लगा रही थी आप? ओ, तो इसका तात्पर्य है आपको मेरी भी चिंता है। इसका अर्थ तो यही है आपको प्रेम है मुझसे। मुझे ज्ञात था स्वामी, मैं पुकारूंगी तो आप अवश्य आएंगे। मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी, मैं तो बस अपने इस विश्वास की पुष्टि कर रही थी। किंतु स्वामी, ये तो प्रमाणित हो गया कि आपके हृदय में मेरे लिए स्थान है। मुझे आपसे कोई प्रेम वेम नहीं है, मैं तो आपसे परिचित तक नहीं हूँ। मुझे रिझाने का व्यर्थ प्रयास कर रही हैं आप। अरे, मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हैं आप? मेरा पीछा करना बंद कीजिए। आपके पीछे ना आऊं तो कहां जाऊं स्वामी? अपने स्वामी के पीछे चलना तो मेरा धर्म है ना। अच्छा, मैं एक सुझाव दूं, हम दोनों अभी कैलाश जाकर अपना दाम्पत्य जीवन आरंभ करते हैं। मैं महादेव और माता पार्वती की सर्वगुण संपन्न पुत्र वधु बनूंगी। हाँ, किंतु मेरी भी एक शर्त है। विवाह के उपरांत आपको अपने अनुज को कैलाश से निष्कासित करना होगा। मेरे स्वामी को निष्कासित? अरे, कैसी स्त्री है ये? अभी मुझसे विवाह करने की बात कर रही थी और अब मेरे परिवार को ही खंडित करना चाहती। क्योंकि स्वामी, मैंने सुना है बड़ा विचित्र है वो और बहुत नटखट भी, सभी को सताता रहता है, इसलिए वो तो कदापि नहीं रह सकता हमारे साथ। बस, बस। बहुत हुआ, मेरे भ्राता को लेकर ये सब कहने का दुस्साहस भी कैसे किया तुमने? क्या आप जानती भी हैं कि वो है कौन? प्रथम पूज्य गणेश है मेरा अनुज। प्रथम पूज्य? अभी मैं आपको अपने भ्राता की महिमा से परिचित कराता हूं। प्रणम्यं शिरसा देव गौरी पुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मर नित्यं मायुः कामार्थ सिद्धये प्रथमं वक्रतुंडं च एकदंतं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णं पिंगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्ण तथाष्टकं नवमं भालचंद्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसंध्ययः पठेन्नरः न चा विघ्नभयं तस्य सर्वासिद्धिकरं प्रभो। ऐसा है मेरा गणेश और ऐसी है उसकी महानता। उचित है फिर, यदि आप इतना कह ही रहे हैं तो मैं विवाह के उपरांत आपके अनुज को हमारे साथ रहने की अनुमति देती हूँ। किंतु अब विवाह तो कर ले। विवाह? कैसा विवाह? कौन सा विवाह? गणेश, कहाँ हो तुम? तुम्हें ढूंढते ढूंढते ये किस कठिनाई में फंस गया मैं?
गणेश, तुम इस रूप में? ये सब क्या है? तुम गणेश ही हो ना? हाँ भैया, मैं गणेश ही हूँ। किंतु गणेश, तुम इस रूप में क्यों हो? हाँ हाँ, बताती हूँ भैया कि वास्तव में क्या हुआ था। यदि तुम्हें मुझसे भेंट करनी है तो तुम्हें भी नारी रूप धारण कर यहाँ आना होगा, अन्यथा तुम्हारा यहाँ आना असंभव है। पुत्र गणेश, तुम्हें भी अपने भीतर के उस नारी तत्व को उजागर कर स्त्री रूप धारण कर माता के पास पहुँचना होगा। तुम्हारे इस नारी रूप को जगत विनायकी के नाम से जानेगा। अद्भुत, आपके इस रूप के दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हुआ प्रथम पूज्य गणेश जी। नीलवर्णा च नील लोहित पिंडला गजवक्त्रा महाकाया त्रिनेत्रा मुकुटोज्ज्वला लंबोदरा स्थूलहलस्वा चतुर्भुज कृतायुधा मोदकं दशदमुपामे पशुं सूत्रं च दक्षिणे वर्णमाला शिरे तस्या वर्णहारावलम्बिनी आकृष्ट समारूढा सर्वाभरण मंडिता विनायकी महादेवी सज चर्म परीक्षिता विनायकी महादेवी सज चर्म परीक्षिता विनायकी महादेवी सज चर्म परीक्षिता विनायकी महादेवी गज चर्म परीक्षिता मैं घोषणा करता हूं कि संसार में जो भी गणेश के इस विनायकी रूप के दर्शन करेगा और उसकी पूजा करेगा उसके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। भैया मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं तो बस आपके साथ परिहास कर रहा था। किंतु क्या करता भैया, इतना सुनहरा अवसर जो प्राप्त हुआ था तो उसे कैसे गवाता मैं? फिर उन स्त्री ने भी तो कहा था कि गणेश बहुत नटखट है। चलो, कठिनाई के इस समय में मेरे कारण तुम आनंदित तो हुए? मुझे क्षमा कीजिए भैया, मैं स्वयं को रोक नहीं सका। अच्छा अब ये बताओ कि माँ से भेंट हुई तुम्हारी, कैसी है वो, क्या कहा उन्होंने? माँ से भेंट तो हुई मेरी, वो यही इस विंध्याचल पर्वत पर ध्यानस्थ है। प्रणाम माता। किंतु गणेश, ये तो बताओ कि माँ ने तुमसे कहा क्या? क्या तुमने उनसे शुंभ निशुंभ से उत्पन्न महासंकट की चर्चा की? भैया, माँ ने कहा कि तुमने अपना विनायकी रूप मुझसे भेंट करने के लिए धारण नहीं किया है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। अपने समान अन्य देवताओं में भी नारी शक्ति को जागृत करो और शुंभ निशुंभ को मुझ तक आने को विवश करो। माँ ने मुझे जो दायित्व सौंपा है उसे निभाने का आरंभ मैं भैया से ही करता हूँ। भैया थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए, शीघ्र आप भी अपने नारी स्वरूप के साक्षात्वर होंगे। उचित है गणेश, किंतु मैं तो अपने इसी रूप में सक्षम हूँ, तो मुझे नारी रूप धारण करने की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता है भैया, आवश्यकता है। मैंने भी यही पूछा था माँ से भैया, किंतु उन्होंने मुझे समझाया, जो नारी समस्त संसार को जन्म देती है
उस नारीत्व से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। शुंभ निशुंभ का वध करने के लिए ये आवश्यक है। आपको उसका वरदान ज्ञात है ना भैया? उस वरदान को निष्फल करने के लिए हम सभी को अपने भीतर की नारी और उसकी शक्ति को जागृत करना होगा, तभी हम इन असुरों के वध में सहायक बनेंगे। तब तो हमें यथाशीघ्र ऋषि मार्कंडेय जी के पास लौटना चाहिए। हमें ये तो ज्ञात है कि माँ कहाँ है, किंतु माँ के इस युद्ध में सहभागी होने के नाते हमें अब और भी सतर्क रहकर शुंभ निशुंभ के प्रत्येक क्रियाकलाप पर दृष्टि बनाए रखनी होगी। हाँ भैया, और ऐसी योजना भी बनानी होगी जिससे शुंभ निशुंभ शीघ्र माँ तक आने के लिए विवश हो जाएं। छल से स्वर्ग पर तो अपना अधिकार स्थापित करने का प्रयास कर ही चुके हैं शुंभ निशुंभ। ज्ञात नहीं अब वो कौन सी चाल चलने की तैयारी कर रहे हो। आज से ये आसन इंद्रासन नहीं शुंभासन के नाम से जाना जाएगा। आज से देवराज भी मैं ही हूँ। देवराज शुंभ की, देवराज शुंभ की, देवराज शुंभ की, देवराज शुंभ की। सबका सम्राट हूं मैं, छल से नहीं तो बल से सही। जो प्राप्त करना चाहता हूं उसे प्राप्त कर ही लेता हूं मैं। देवताओं, जो कुछ भी तुम्हारा है सब कुछ मेरा हो चुका है। छीन कर किसी वस्तु को प्राप्त करने में जो परम आनंद मिलता है उसका वर्णन तो असंभव है ना? अब मेरे सेनापति अपना अपना आसन ग्रहण करेंगे। अब स्वर्ग मेरा, स्वर्ग की संपत्ति मेरी, तो अमृत भी मेरा ही हुआ ना? क्यों इंद्रदेव? तुम कुछ भी कर लो दुष्ट असुर, अमृत तक तुम कदापि नहीं पहुंच पाओगे। अमृत कहाँ छिपा के रखा है इन धूर्त देवताओं ने? अमृत प्राप्त करोगे तुम? क्या समझते हो अमृत प्राप्त करना इतना सरल है दुष्ट? रस्सी चल गई पर बल नहीं गया। तुम सभी देवताओं को मैंने स्तंभ पर बांध रखा है, लेकिन अब तक तुम सभी का अहंकार नहीं मिटा। महाराज शुंभ, इस व्यर्थ के वार्तालाप का अब कोई लाभ नहीं। आपको स्मरण है कि जब आपने इन देवताओं को अपने राजभवन में आमंत्रित किया था तो असुरी नारियों ने कितना मनोरंजन किया था इन देवताओं का। हाँ, किया तो था, और उस मनोरंजन में इंद्र को कितना आनंद आया था।
अब हम स्वर्ग में हैं। इसलिए उचित नहीं होगा देवराज कि स्वर्ग की नारियां भी हमारे नवीन महाराज के लिए नृत्य गायन का आयोजन करें? ये दुष्ट अब हमारी स्त्रियों का अपमान करना चाहता है। वाह भ्राता निशुंभ, तुम्हारा ये उत्तम सुझाव है। स्वर्ग की देवियों का भी उनके नवीन महाराज के प्रति कोई दायित्व है। जब स्वर्ग ही मेरा है तो यहाँ की देवियों पर भी मेरा ही अधिकार हुआ ना? अवश्य भ्राता अवश्य। हाँ देवराज शुंभ, कैसी धृष्टता है यहाँ की स्त्रियों की, अपने नए देवराज का स्वागत तक करने नहीं आई और ना ही कहीं दिखाई दे रही है। तो क्या अमृत के साथ साथ अपनी देवियों को भी छुपा के रख रखा है इंद्र ने? सेनापति निशुंभ, हमारे सैनिकों को आदेश दो कि उन देवियों को ढूंढकर हमारे समक्ष प्रस्तुत करें। इंद्रदेव, मैं तुम्हारे नेत्रों के समक्ष उनका अपमान करूंगा और फिर तुम मुझे बताओगे कि अमृत कहाँ है। इतना साहस तुम्हारा? ऐसा कदापि नहीं कर सकोगे तुम। महाराज शुंभ, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अभी उन देवियों को खींच कर लाता हूँ। उसकी कोई आवश्यकता नहीं। देवी सची, देवी सची यहाँ क्यों आ गई? देवी सची! नहीं, स्वामी एवं अन्य देवताओं की ऐसी दुर्दशा करती है इन असुरों ने। इस दुष्ट के जाल में फंसने के लिए आप यहाँ क्यों आई है देवी सची? ये है इंद्रदेव की पत्नी सची। इंद्रदेव, आपने बताया नहीं आपकी पत्नी अद्भुत सुंदरी है। अद्भुत अद्भुत। यदि इसके पूर्व मुझे ज्ञात होता तो मैं इन्हें अपनी राज्यसभा में अवश्य आमंत्रित करता। हाँ देवराज, इतनी सुंदर स्त्री के आगमन से तो हमारी राज्यसभा की शोभा और बढ़ जाती है। दुष्ट असुर, शांत हो जाओ। देवी शची, इस दुष्ट के मुख से मैं आपके प्रति ऐसे वचन कदापि नहीं सुन सकता। हाँ चले जाइए यहाँ से, जाइए। अरे रे रे रे, कैसे चले जाएंगे आप? हम तो मनोरंजन की प्रतीक्षा कर रहे थे। हमारा मनोरंजन तो आपके रूप में प्रविष्ट हुआ है, तो हम आपको कैसे जाने देंगे? दंभी असुर, स्वामी एवं अन्य देवताओं को मुक्त करो। अवश्य करूंगा, अभी और इसी क्षण करूंगा, परंतु उसके लिए तुम्हें मेरा बंदी बनना होगा।
निर्लज दुष्ट, दृष्टता की भी सीमा होती है। मुझे मुक्त करके देख, फिर मैं तुझे कैसा पाठ सिखाता हूँ। इंद्रदेव, अपने स्वर नीचे करो। अब तुम देवराज नहीं रहे, मात्र तुझ हमारे बंदी हो। ये सची, मैं तुच्छ नारियों से विवाद में नहीं पड़ता। जाओ और जिन देवियों को तुमने छुपा के रखा है ना, मेरे सामने लेकर आओ। चलो जाओ यहां से। उचित आदेश दिया है देवराज शुम ने इसे। क्या हुआ गणेश? भैया, स्वर्ग में देवगण एवं माताएं संकट में हैं। हमें शीघ्र देवताओं की सहायता के लिए जाना होगा। मात्र देवगण ही नहीं, उसके पूर्व हमें माताओं की भी रक्षा करनी होगी। अनुज, भैया माताओं की चिंता ना करें, क्योंकि जब स्त्री शक्ति जागृत होती है तो कोई असुर उसके समक्ष टिक नहीं सकता। देवराज के सिंहासन पर बैठकर स्वयं को अत्यंत ही महान समझ रहे हो ना तुम? किंतु कदाचित तुम ये भूल रहे हो कि ये सिंहासन ना तो पहले तुम्हारा था और ना ही तुम्हारा कभी होगा। तुम क्या समझते हो, तुम प्रथम असुर हो जिसने स्वर्ग के सिंहासन पर अधिकार प्राप्त करने की चेष्टा की? अरे कितने असुर आए, कितनों ने प्रयत्न किया, परंतु मृत्यु के सिवाय उन्हें कुछ प्राप्त नहीं हुआ। अपने पूर्वजों से कुछ नहीं सीखा क्या तुम असुरों ने? आनंद आता है क्या बार बार पराजित होने में? कितनी बार पराजय हुई तुम्हारी, किंतु समझ में नहीं आया तुम्हें कि स्वर्ग पर तुम कभी अपना अधिकार स्थापित नहीं कर सकोगे। अपने इन विचित्र सेनापतियों के साथ अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर यहाँ आ तो गए हो, किंतु सत्य है विनाश काले विपरीत बुद्धि। अनेकों बार देख चुके हैं हम, क्योंकि जब तुम्हारा अंत पुकारता है तो तुम असुर इसी प्रकार स्वर्ग लोक आ जाते हो। अब तुम सभी का अंत समय आ गया है। माँ महाशक्ति तुमसे इस प्रकार का व्यवहार करा रही है ताकि वो यहाँ आकर तुम सभी का वध कर सके। तुच्छ नारी, बहुत बोल चुकी हो तुम। बहुत कहा, अभी तो मात्र आरंभ है। माँ महाशक्ति चाहती तो अभी तुम सभी का अंत कर सकती थी, किंतु नहीं, वे सदैव सभी को सुधरने का एक अवसर अवश्य देती है। इसलिए मेरे माध्यम से वो तुम्हें चेतावनी दे रही है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम शांत रहकर मेरे वचनों को ध्यान पूर्वक सुनो। क्या कहा था तुमने? तुच्छ नारी, नारी को तुच्छ समझने वाले, ये मत भूलो कि तुम्हारा जन्म भी एक नारी से हुआ है। और ये स्मरण रखना कि तुम्हारा संहार भी एक नारी ही करेगी। और यदि तुम्हें इसमें कोई भी संदेह है तो अपने पूर्वज महिषासुर का स्मरण करो कि किस प्रकार जगत जननी ने उस महिषासुर का भयंकर वध किया था। इतना दुस्साहस तुम्हारा? हे नारी, इस अनर्गल प्रलाप से मेरा समय व्यर्थ मत करो। मैं यहाँ तुम्हारा प्रवचन सुनने नहीं आया हूँ। देखो ऊपर, देखो तुम्हारे देवता किस तरह बंधे हुए हैं। देखो चारों ओर दृष्टि घुमा कर देखो।
यहाँ का राजा मैं हूँ। ये तुम्हारे स्वामी का राजभवन नहीं, ये मेरा राजभवन है और मेरे सैनिक भीतर और बाहर रह के यहाँ की रक्षा कर रहे हैं। अब मैं हूँ देवराज, किंतु तुम चिंता मत करो, देवरानी के पद पर तुम ही स्थित रहोगी। आओ मेरे निकट आकर अपना स्थान ग्रहण करो। वाह वाह, बड़ी सौभाग्यवती है देवी शची, इतना कुछ होने के बाद भी महाराज शुम ने अपने निकट बैठने की अनुमति दी है आपको। अरे जाइए देवी, अपना स्थान ग्रहण कीजिए, जाइए। किस विचार में मग्न हो तुम? अंततः तुम सभी स्त्रियों की एक ही अभिलाषा होती है, एक शक्तिशाली पुरुष का संरक्षण। तो कहो, तुम यहां स्वयं आती हो या अपने सेनापतियों को आदेश दूं कि वो तुम्हें यहां खींच कर लेकर आए? दम्भी असुर, ना तो तुम मुझे बंदी बना सकते हो और ना ही स्वर्ग की अन्य नारियों को, क्योंकि हमारी रक्षक तो स्वयं जगत जननी है। बस बहुत हुआ ये जगत जननी के नाम का उच्चारण, तुम्हें बहुत अहंकार है ना अपनी महाशक्ति पर? अहंकार तो तुम्हें है दुष्ट, मुझे तो विश्वास है अपनी माता मां शक्ति पर। और जिन माता जगत जननी का तुम नाम इतनी उदंडता से ले रहे हो, ये मत भूलो कि वो तुम्हारी भी माँ है। और हम नारियों पे जो तुमने कुदृष्टि डालने का अपराध किया है, उसका भी दंड अवश्य ही मिलेगा तुम्हें। तो क्या करूं मैं? तुम सभी नारियों की क्या आरती उतारूं? और अगर इतना विश्वास है अपनी माता पर, तो सभी नारियां छिपकर क्यों बैठी हैं? छिपकर कोई नहीं बैठी है शुंभ, तुम यही ज्ञात करना चाहते हो ना, स्वर्ग लोक की अन्य नारियां कहाँ हैं? वो सभी माता के मंदिर में हैं। देवी शची, ये क्यों बता रही हैं आप इस दुष्ट को? नारी को तुच्छ समझने वाले, मैं नारी होकर तुझे चुनौती देती हूँ, स्वर्ग की किसी भी स्त्री को तू स्पर्श नहीं कर पाएगा, क्योंकि मुझे विश्वास है अपनी माता पर। माता हमारी रक्षा अवश्य करेंगी। यदि साहस है तो हमें बंदी बनाकर दिखाओ शुंभ। इतना दुस्साहस इसका? मारा शुम को चुनौती देकर जा रही है? रुक जा निशुम, जाने दो उसे। नहीं भ्राता, उचित नहीं है ये। या तो इसको स्तंभित कीजिए अथवा मुझे इसको खींचकर लाने की अनुमति दीजिए। उसने मुझे चुनौती दी है, अब मैं उसे दिखाऊंगा एक पुरुष का बल क्या होता है। असुरों और देवताओं का अधिपति मैं ही हूं,
स्वर्ग की देवियों का मैं अहंकार भंग करूंगा, उन्हें अपनी सेविकाएं बनाऊंगा। चलो मेरे साथ। उचित है भ्राता शुंग, इसके अपराध का दंड तो इसे अवश्य मिलना चाहिए। स्वर्ग की नारियों का अपमान कदापि नहीं सह सकता मैं। मुझे इस बंधन से मुक्त होना ही होगा। देवराज होने के नाते देवियों की रक्षा का दायित्व निभाना ही होगा, मुझे निभाना ही होगा। हाँ देवराज, इस दीनहीन अवस्था में हम अपनी शक्तियों का प्रयोग करने में भी असमर्थ हैं। धिक्कार है हम पे, ये कैसी विवशता है हमारी। हम यहाँ बंदी बने और वो दुष्ट देवियों को अपमानित करने गए हैं। देवगण, हम विवश अवश्य हैं, किंतु आदि शक्ति माँ की शक्ति नहीं, इन असुरों का माता के समक्ष टिक पाना असंभव है। अब हमारा और देवियों का माता ही सहारा है, और वो अपने भक्तों को कदापि निराश नहीं करेगी। देवियों की रक्षा माता अवश्य करेंगी। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता, हे देवी शक्ति, आप देवी शची और अन्य सभी देवियों की रक्षा कीजिए। हम पर कृपा कीजिए माता, दया कीजिए हम पर। माता, हम सभी देवियां आपके शरण में हैं। मुझे विश्वास है आप मेरी प्रार्थना का मान अवश्य रखेंगी, हमारी रक्षा अवश्य करेंगी आप। अभी ज्ञात हो जाएगा कि स्वर्ग की देवियां कहां छुपी हुई हैं। स्थिति चाहे जैसी भी हो, व्यक्ति को स्वयं के प्रयास के साथ ईश्वर को भी स्मरण करना चाहिए।